أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يُدِلِلُهُ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد क़मा कमल तवाहीम वल बाहिमीदु मजीद वाहमबाकल महमद वाल महमद कम बाव तवाहीीम वालाहिमीद मजीद अलमैकम वरम वबरकू आज का जो हम हमारा टॉपिक है वो है नमाज़ के ऊपर इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो हदायत के ऊपर था जो मैंने कुरान और हदीस से जो भी रेफरेंसेस थी वो मैंने बताई थी और इन आज से नमाज की सीरीज चालू करने वाला हूँ मैं इन नमाज के अम्पॉटेंस नमाज के बारे में कुरान क्या कहता आ, क्या कहते है हदीस क्या कहती है यानी नमाज़ कितनी इम्पॉटेंट शेय है कितनी इम्पॉटेंट चीज़ है वो इन शह मैं इन वीडियो, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा नमाज जो है वो ईमान के बाद दूसरे नंबर पर है जैसे वो वह उस हदीस को हम जानते हैं जिसमें अल्लाह के नबी ने एरशात फरमायालील्ह वसलम इस्लाम की बुनियाद जो है वो पांच चीज़ों पे है सबसे पहली बुनियाद जो है वो शहादत क्योंकि जब तक हम शहादत नहीं कहते जब तक हम इस चीज़ पे ईमान नहीं लाते कि ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कोई इबादत के लायक नहीं है कोई माबूद नहीं है, है सिवाय उस अल्लाह के वहदहु ला शरीक शरीफ जल जल जलालहु के और मोहम्मद महम्मद सल्ह वसलम उसके बंद ख़ास और रसूल हैं ला इलाहा इल्लल्लाह महमद रसूलुल्लाह यानी मैं गवाही देता हूँ मैं इस चीज़ की शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ मैं इस चीज़ की शहादत देता हूँ कि मोहम्मद वसल्लम अल्लाह के बंदे ख़ास रसूल हैं इस गवाही देने के बाद इसमें भी फिर अगर हम डिटेल में जाएँ या इसकी भी हम अगर बात करें तो इस गवाही देने का मतलब सिर्फ़ ज़ुबान से कहना नहीं दो चीज़ें इसमें हैं इकरारुम बिल व तस्दीकुम बिलकल्ब यानी मैंने ज़ुबान से गवाही दी और मुझे दिल से भी इस चीज़ का इकरार करना इस चीज़ को मानना है कि सिवाय अल्लाह के कोई खुदा नहीं यानी मेरी मुश्क, मुश्किल कुशाई हाजत रवाई मैं जब परेशानी में हूँ तो मैं ये मुश्किलें दूर करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है मैं अगर किसी दुख तकलीफ़ में हूँ उस पर उस दुख और तकलीफ़ को दूर करने वाला सिवाय अल्लाह है उसके अलावा कोई माबूद नहीं है और जो भी चीज़ें हैं जो कुरान में भी आता है कुल इन्ना सलाती व न मह्या व ममाती ला रबीआलमीन यानी कहो कि मेरी नमाज मेरे, आ, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मेरा मरना लाही रबालमीन सिवाय उस अल्लाह के लिए है तो इस चीज़ का यकीन होना इस चीज़ पे ज़ुबानी तौर पे भी मैं इस चीज़ को कहूँ और दिल से भी मैं इस चीज़ को मानूँ कि सिवाय उस रब के कोई मबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अल्लाह के बंदे और रसूल हैं और इस चीज़ को भी मुझे मानना है कि नबी सला व्लम इस जो रसूल वाली चेन है इसमें सबसे आखिरी नबी और आखिरी रसूल है इनके बाद कोई रसूल नहीं आने वाला है ना कोई नबी तो पहली चीज़ हो गई यानी उन पांच चीज़ों में पहली चीज़ हो गई इस चीज़ की गवाही देना इस चीज़ की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं ईमान लाने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नमाज़ जो दिन रात में हम पे पाँच वक्त फ़र्ज़ है जिसमें भी जो सत्तर वक़्त फ़र्जें फ़र्ज़ है दिन रात में वो तो कंपलसरी वो आपने पढ़ना ही है उसके अलावा जो सुन्नत नवाफ़िल वो आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं लेकिन हम हमारा ये एटीट्यूड होता है कि हम आ, सुन्नत और नवाफिल की वजह से जो है वो फ़र्ज़ छोड़ देते हैं ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए पहली हमारी प्रायोरिटी है फ़र्ज़ नमाज जो सही बुखारी में हदीस आती है कि एक बद्दू शख़्स एक गांव का देहाती शख्स नबी सलाम के पास आता है और आ, पूछता है कि या यासल्ला सल्मा वसलम मुझे एक ऐसा अमल बताएं या मुझे ऐसा अमल बताएं जिससे मैं जन्नत में जाने वाला बन जाऊं तो नबी नबीम ने फ़रमाया कि ईमान लाने के बाद फ़र्ज़ नमाज कायम करो फ़र्ज़ ज़क़ात दो फ़र्ज़ रोजे रखो और फ़र्ज फ़र्ज़ हज करो जिसमें फ़र्ज़ नमाज़ की हम बात करें यानी ईमान लाने के बाद जो फ़र्ज नमाज है दिन रात में वो है सदा रकत गिन लेते हम कैसे हैं सदर रकत फ़ज़र की दो रकत जोहर की चार असर चार मगरब तीन और इशा चार ये टोटल फ़र्ज रकत है दिन रात में अगर हम पढ़ लें इसे तो इन हम जन्नत में जाने वाले बन जाएंगे इन तुम इन्नी असलोकल जन्ना तो ये बात हो गई नमाज की तो नमाज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी ये आदत होनी चाहिए रूटीन में जिस तरीके से हमारा खाना पीना सुबह उठना खाना पीना सोना जॉब पे जाना नाइन टू तो फाइव की जॉब है कहीं की वो जॉब बखूबी उस टाइमिंग पे करते हैं तो इन चीज़ों का जैसे हम ख्याल रखते हैं इन चीज़ों को पाबंदी के साथ करते हैं उसी तरीके से नमाज भी जो है वो भी हम पाबंदी के साथ पढ़ें और ये कि कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है नमाज़ बहुत आसानी है हम अपनी डे टू डे रूटीन में डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को एम्प्लाई कर सकते हैं और मैं कुछ इसमें टिप देना चाहूँगा नमाज को लेकर के तो नमाज़ को लेके टिप्स ये होंगी कि नमाज जो है वो आप सबसे पहले तो फ़र्ज़ नमाजों पे आ जाएं अगर आप फ़र्ज की पाबंदी कर ले तो इन शाला फिर धीरे धीरे सुनत तो नवाफिल पे भी आ जाएंगे तो फ़र्ज की पाबंदी आप कैसे कर सकते हैं सुबह से शुरू करते फ़जर की नमाज़ से फ़जर में आप सुबह उठ करके घर पर ही आप रहते हैं आपको ड्यूटी जाना रहता तो है उससे पहले आप उठ जाएँ जल्दी दो रकत जो फ़जर की नमाज़ उसमें आप दो रकत फ़र्ज भी पढ़ सकते हो जो सुनत है वो भी पढ़ लें क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि फ़जर से पहले की वो जो दो वक़त नमाज है वो इस दुनिया और इसमें जो कुछ है इन सबसे बढ़ करें हैं उसके बाद वही बात र के तो र के टाइम पर तो हम ऑफिस में रहते हैं तो आप इस चीज़ का अहतमाम करें कि वजू और अमूमन ऑफिस में जो है वो वॉशरूम्स का अहतमाम होता है वॉशरूम्स होते हैं तो उस वाशरूम का आप इस्तेमाल करके वहाँ वज़ू कर लें और किसी कोने में आप चार वक़्त फ़र्ज अदा कर लें हो तो गया अब असर की बात बारी आती है तो असर में भी आप इसी तरीके से वजू कर लें और फिर अदा कर लें अब मब की बारी आती है तो मगरब जो है आप उस समय घर आ जाते हो क्योंकि नाइन टू फाइव की जॉब है पाँच बजे छुट्टी हो जाती है तो आप पाँच बजे घर आएँ उसके बाद आजकल जो मगरब का वक्त है वो साढ़े छः है अप्रोक्स तो आप उस समय अदा कर लो और इशा का है तो इशा भी आप अदा कर लें इशा, इशा में भी आप इस चीज़ का अहतमाम कर लें कि सुनतें जो वो भी आप अदा कर लें और जो मगरब है उसमें भी जो सुनतें हैं वह अदा कर लें चलिए इतना भी आप नहीं कर सकते तो आप ये कर लो कि जो फ़र्ज़ नमाजें हैं उनकी तो कम से कम पाबंदी करो ना आप फ़ज़र की ज़हर की असर मग़र इन पाँच वक्तों की फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करें आप पहला जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ बकरा की आयत नंबर थ्री उसमें अल्लाह कुछ इस तरीके से फरमाता है फ़लाम आता है अफूज़बाबिनि बसमिम जो लोग ग़ैब यानी यानीसन अनदेखे पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए आमा दिए हुए माल में से ख़र्च करते हैं अब इसमें तीन चीज़ें आ गई पहली चीज़ है गैब पर ईमान गैब यानी अनसीन वो चीज़ें जो हमसे छुपी हुई हैं हमारे सामने वो चीज़ें नहीं हैं वो गैब हम डिस्कस करेंगे वो क्या है गैब इसमें हमें आ, हम ये बचपन से पढ़ते आए हैं कि आमन तबिल्ल ही व मलाई कति ही वतुबी ही व रसुल व्योमिल आख़िर कद व वश ख व शव वही मिनल्ला तैवा बदल मौत इसमें छः से सात चीज़ें डिस्कस की गई इसमें पहली चीज़ है कि मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह है अल्लाह मौजूद है इस चीज़ पे पहला ईमान होना चाहिए कि ये अनसीन में से ये चीज़ें हैं तो पहली चीज़ अल्लाह पर ईमान दूसरी चीज़ अल्लाह के फरिश्तों पे ईमान कि अल्लाह अल्लाह है अल्लाह के फरिश्ते भी मौजूद हैं तीसरी चीज़ अल्लाह ने जो किताबें नाजिल की, जिसमें से चार बड़ी किताबें हैं तो इंजील ज़बूर और क़ुरान ये चार किताबें और कहा जाता है सौ छोटे छोटे सहीफे छोटी छोटी किताबें हैं छोटी छोटे नुस्खे हैं वो भी अल्लाह ने नाजिल किया कुल मिला के एक सौ चार जो हैं आसमानी किताबें हैं जिसमें से चार तो बड़ी किताबें और जो सौ हैं वो छोटी छोटी किताबें हैं तो किताबों पर ईमान अगला है नबियों पर ईमान कहा जाता है कम बेश एक लाख चौबीस हज़ार अम्बिया का सलाम जो है अल्लाह ने अपनी तरफ से भेजें उसके बाद है क़यामत के दिन पर ईमान होना चाहिए हमारा कि इस दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा है उसके बाद हम मरने के बाद उठाए जाएंगे और फिर अल्लाह हमसे सवाल करेगा जो सतुलमल्क में भी आता है सोतुलमल्क में अल्लाह फ़रमाते हैं अल्लज़ी ख़ल मऊ तवल हयातलबलकुम अयुकुम अहसनला वहू अज़ीज़ुल गफूर जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आज़माए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है और वो गालिब और बखने वाला है यानी अल्लाह ने ये जो ज़िंदगी और मौत का चक्कर हमारे साथ लगाया हुआ इसलिए लगाया कि हम वो टेस्ट हमें करें कि हमें से बेहतर अमल कौन करने वाला है क्योंकि अगर हमारे अमल अच्छे होंगे क़यामत के रोज़ जो हमारे अमाल है वो गिने नहीं तोले जाएंगे तो जिसका अमाल ज़्यादा होगा जिसका अमाल भारी होगा यानी अच्छे अमल वो जन्नत में जाने वाला होगा और जिसके गुनाहों का पलड़ा भावी हो जाएगा वो दोजक में जाने वाला गले आउल तुम अजय नहीं मन्ना लेकिन फिर भी आमाल करने के बाद भी अल्लाह के नबी की हदीस है कि कोई भी शख्स सिवाए कोई भी शख्स महज अपने अमाल के बदौलत जन्नत या जन्नत में नहीं जाने वाला बन सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे तो ये सात चीज़ें हैं ग़ैब यानी अनसिन पर ई लाना इसी के साथ ये चीज़ जुड़ी है कि जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं यानी अनसीन पर इन चीज़ों पे ईमान इसमें भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये हो जाएंगी कि अल्लाह पर ईमान उसके फरिश्तों पे बज़क पे यानी जो मौत के बाद का सफ़र है वो बज़ी दुनिया है अगर मैंने नेक अमल किए होंगे तो मैं अल्लन में होंगे और अगर मैंने बुरे बुरे अमाल किए होंगे तो सिज्जीन में मैं होंगा तो ये बज़की मामला है उसके बाद क़यामत के रोज़ अल्लाह के सामने खड़े होने के पर लेकर हमारा ईमान होना चाहिए और लास्टली जन्नत और दोजक़ और दो जो अज़बात जो है जन्नत की जो बशावत है उस पर हमारा ईमान होना चाहिए तो नमाज़ वही बंदा पढ़ेगा जो इस गई पर ग़ैब पर ईमान रखता है यानी इस अनसिन पे उसका ईमान है तो वो नमाज पढ़ेगा और अल्लाह के दीवे माल में से खर्च करेगा यानी ज़क़़़़़़़त देगा सदकात देगा और फिर क़ुरान में भी आता है कि लंतनालबातफिको में माँ तो हिबुन तुम तुम निकी के अला तरीन दर्जों को पहुँच ही नहीं सकते तुम निकी के अला तरीन दर्जे पर पहुँच ही नहीं सकते जब तक कि तुम उसमें से खर्च ना करो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसमें से एक तो सबसे महबूब चीज़ हमारा माल है और दूसरी सबसे महबूब चीज़ हमारा ज जव, हमारी जवानी है और हमारा वक्त है इसे हमें अल्लाह को देना है तो इसमें एक बहुत इम्पॉटेंट पॉइंट है इस आयत की तफसीर में तफीम्लर मौलाना मौदूदी की इसमें इस आयत की आयत को आयत की एक्सप्लेनेशन में मौलाना मौदूदी ने एक बहुत बेहतर एग्ज़ाम्पल दिया है वो एग्ज़ाम्पल मैं आपको कोर्ट दे यानी ये जो नमाज है वो तीसरी शर्त है उसका मतलब यह है कि जो लोग सिर्फ़ मान कर बैठ जाएं और मान कर बैठ जाने वाले हों वह वा क़ुरान से फ़ायदा नहीं उठा सकते इससे फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी ईमान लाने के बाद फ़ौर ही अमली इताद के लिए आमादा हो जाए यानी ईमान जैसे जो पांच चीज़ें थी इस्लाम में दाखिल होने के लिए यानी पहली चीज़ तो थी ईमान लाना तो अब मैं इस चीज़ की शहादत दे दी है मैंने इस चीज़ की शहादत दे दी कि अरदुल्ला अरदा मोहम्मद रसूल तो ये कहने के बाद ये मेरे अमल में भी ये चीज़ दिखनी चाहिए कि मैंने अल्लाह को अल्लाह माना है मोहम्मद सल्ह वसम को नबी माना है तो इस चीज़ का सिर्फ गवाही दे देना काफ़ी नहीं ये हमारे अमल में भी दिखना चाहिए यानी मेरी जो डे टू डे रूटीन है उसमें ये चीज़ जाहिर होनी चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ वो कैसे और अमली इतात की अवलिन अलामत और दायमी अलामत नमाज़ है यानी ईमान लाने के बाद जो अमली गवाही है वो नमाज का पढ़ना है ईमान लाने पर चंद जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा ईमान ले कर आता है यानी न्यू मुस्लिम है ईमान लाने पर चंद घंटे भी नहीं गुज़रते कि मोजन नमाज़ के लिए पुकारता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस्लाम कबूल किया बस कुछ ही घंटे गुज़रते हैं कुछ ही देर गुज़रते हैं कि मोज़िन जो है वो मस्जिद से अजान की आवाज़ आती मोहज़न अजान देता है और उसी वक्त फ़ैसला हो जाता है कि ईमान का दावा करने वाला इताद के लिए भी तैयार है या नहीं यानी मैंने ये कहा कि मैं मैं जैसे इस्लाम कबूल किया मैंने अल्लाह को अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लिया तो इसके बाद जो अमली है अमली अतबार से मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ कि नहीं ये उस वो अजान बता देंगे मेरी यानी जैसे अजान हुई अब अगर मैं नमाज़ के लिए जाता हूँ तो चले मैंने दिल से ईमान कबूल किया और नहीं गया मैं तो ये चीज़ पता चल गई कि कोई मैंने दिल से ईमान को कबूल नहीं किया मैंने बस ऊपर ज़ुबान से कह दिया कि हाँ मैं अल्लाह मैं मिला को अल्ला वसल्लम को नबी मानता हूँ बस इतना ही ज़ुबानी कलामी हुआ मेरा फिर वो फिर अमल तो मैंने दिल से तो फिर माना ही नहीं जो मैंने इससे पहले बात बताई कि इकदार बिल्लेसानी व तस्दीकम बिलकल यानी मैंने ज़ुबान से भी मानना और दिल से भी मानना है तो अगर मेरा ये एटीट्यूड है कि मैंने सिर्फ़ ज़ुबान से कहा मैंने मैं नमाज़ के लिए गया ही नहीं तो मैंने सिर्फ ज़ुबान से ही कहा मैंने दिल से नहीं माना लेकिन हाँ वहीं दूसरी तरफ अगर मैंने ज़ुबान से कहा और मैंने दिल से ही माना तो ईमान लाने के कुछ घंटों बाद कुछ देर बाद अजान होती फिर मैं फ़ौर नमाज़ के लिए चले जाता हूँ तो ये गवाही होगी अमली फिर या मुज़न रोज़ पाँच वक्त और सिर्फ ये एक दिन की बात नहीं फिर आने वाले अगले घंटों में भी आने वाले दिनों में भी फिर पाँच वक्त वही मुज़िन अज़ान देगा यानी नमाज़ के लिए बुलाएगा हल सल हई आल फ़ला फ़ला यानी आओ नमाज़ की तरफ़ आओ नमाज़ की तरफ़ आओ कामयाबी की तरफ़ आओ कामयाबी की तरफ़ तो यह मौज़न रोज़ पाँच वक्त पुकारता रहता है और जब भी इंसान उसकी पुकार पर लब्ब ना कहे उसी वक्त ज़ाहिर हो जाता है कि यह मुद्दी ईमान ईमान इताद से ख़ारिज हो गया यानी मैं अगर ईमान सच्चा लाया हूँ तो मैं उस आ, निदा को उस अज़ान की जवाब को लब्बई कह के, के मस्जिद जाऊँगा और अगर मैं नहीं कहता तो पता चल गया कि मैंने सिर्फ़ ज़ुबानी कलामी बात कही दिल से मैंने नहीं माना है बस तरक नमाज दरअसल तरक अतात है यानी अगर मैं नमाज़ नहीं पढ़ता तो मैं अल्लाह की अतात नहीं करता क्योंकि नमाज़ पढ़ना भी तो अल्लाह की अतात ही है ना ये हुक्म किसने दिया नमाज का हुकुम किसका है अल्लाह का तो अगर मैं नमाज़ नहीं पढ़ता तो मैं अल्लाह की तात नहीं करता और जाहिर बात है कि जो शख़्स किसी की हिदायत पर कारबंद होने के लिए तैयार ना हो उसके लिए हिदायत देना और ना देना एक सा है यानी जिस रब ने मुझे हिदायत दी और अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो मेरे लिए तो बराबर है कि मुझे हिदायत मिले या ना मिले सेम है दोनों अगला रेफरेंस है सही मुस्लिम का सही मुस्लिम टू फोर सिक्स में नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि ईमान और कुफ्र यानी अगर मैं मुसलमान हूँ इस चीज़ की गवाही और मैं काफ़िर हूँ ये चीज़ बताने ये है सही मुस्लिम इसकी हदीस नंबर है टू फोर सिक्स सुफियान से रिवात है उन्होंने कहा मैंने हज़रत जाबर को यह कहते हुए सुना कि मैंने रसूल सल्ह वसलम को फरमाते हुए सुना बेशक आदमी और व वक़ुफ़ के दरमियान फ़ासला मिटाने वाला आमाल या अमल जो है वो नमाज़ का तर्क करना है यानी जो शख़्स नमाज पढ़ता है वह मुसलमान है जो नमाज़ छोड़ देता है वो अमला काफिल है तो ये तो रेफरेंस है सही मुस्लिम का अगला रेफरेंस है अबू दाऊद का वो तो बहुत ही सख्त अल्फाज के साथ उसमें ये हदीस आती है कि मन तरक सलात मत मदन कफ़र जिसने जान बुझ के नमाज़ छोड़ी उसने कुफ्र किया और अबू दाऊद में तिरमिज़ी में इबन माजा में और सुनसाई में यही हदीस है कि ईमान और कुफ़ में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है यानी पांच किताबों में यह हदीस आती है कि ईमान और कुफ में जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो नमाज़ है यानी नमाज तो अगर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं मुसलमान हूँ अगर मैं नमाज़ छोड़ता हूँ तो मैं मुसलमान नहीं हूँ मैं काफ़िर हूँ फिर भले वलआउ उज़बिल्ली ती ये पाँच किताबें पहला रेफरेंस है सही मुस्लिम दूसरा अबू दाऊद तीसरा जाम तमिज़ी चौथा इबन माझा और पाँचवा सुनसाई अगला रेफरेंस है इसमें वसल्लम का अरशाद है कि जिसने नमाज की हिफाजत व पाबंदी की तो वो नमाज उस शख़्स के लिए वो क़यामत नूर दलील और निजात होगी और जिसने उस नमाज की हिफाज़त व पाबंदी नहीं की तो वोज़ कयामत उसके लिए नूर दलील और निजात नहीं होगी और उसका हशर फिरौन, क़ार हमान उब इबन ख़ल्फ़ के साथ होगा तो क्या हम चाहते हैं कि हम उन काफी और सबसे फेमस और सबसे बड़े बड़े जो काफ़े हैं वो ये काउुआन हामा उब इबन ख़ल्फ़ इनके साथ हो वलआउ उज़बिल्लम अजयन मिनना तजल ना मिन हूँ यानी अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल ना करे जो क्यामत के रोज़ रस्फा होंगे तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम कम से कम डैटम लेवल पे अपनी जो फ़र्ज़ नमाज है उनकी तो हिफाजत करें ना हम फर्ज़ नमाज तो कायम करें जिसकी पकड़ है हम सुन्नतों के वजह से फ़र्ज छोड़ देते हैं हालांकि वो मौलवी वो लोग जो ये कहते हैं कि तुम सुन्नत नहीं पढ़ोगे नवाफिल नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी फ़र्ज भी कबूल नहीं यही मौलवी इतने चालाक हैं कि ये ये नहीं कहते हैं इन सब सवाल ये पूछ सकते हैं कि बताएं रमज़ान के मैंने रोज़े रख लिया अगर सवाल के मैं छः रोज़े ना रखूँ तो क्या रमज़ान के रोज़े कबूल नहीं होंगे देखिए तो नहीं नहीं वो तो नफिल रोज़े हैं आप रमज़ान के जो फ़र्ज हैं वो रखें वो काफ़ी है तो इनकी डबल स्टैंडर्ड आप देखें यही लोग रोज़ों में तो ये कहता है लेकिन नमाज में नहीं नहीं तुम नफिल नहीं पढ़ोगे और अमूमा हमारे घरों में भी ये आ, कहा जाता है हमारी सोसाइटी में भी ये चीज़ बोली जाती है कि अगर तुम नफिल नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी सुन्नत भी ये फ़र्ज भी कबूल नहीं होगी तुम अगर सुन्नतें नहीं पढ़ोगे तो फ़र्ज भी कबूल नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो सही बुखारी की हदीस है जो एक बद्दू शख्स है जो मैंने कोट कर दिया तो फ़र्ज नमाज जैटम लेवल है इसको कम से कम आप कायम कर बहुत आसान है कोई मुश्किल नहीं है नमाज़ आप कायम कर सकते हैं और इसमें कुछ कपड़ों को भी कदगन नहीं हाँ बस शर्त ये है कि आपके कंधे ढके होने चाहिए और आपके आपका जो सतह है यानी नाव से लेकर घुटनों तक ये ढका होना चाहिए आप नमाज पढ़ लें आपको जहाँ वक्त मिलता है जिस समय वक्त मिलता है वो आप नमाज कायम करें नमाज़ पढ़ें फ़र्ज़ नमाज तो कम अज़ कम पढ़ें ना आप और इसके बाद थर्ड वेबसेंस वो व रूम आयत नंबर थर्टी वन वकीीम रहीम व बसमी वकीीम्स वला तकूनु मिनल उमीनमशरक़ीन नमाज़ कायम करो उन लोगों में से मत हो जो मुशरक़ हैं जो अल्लाह के साथ शिरक़ करते हैं वही हदीस के अल्फाज भी आ गए इसमें फिर कि नमाज़ और कुफ्र में जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो नमाज़ है यानी अगर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं मुसलमान हूँ अगर मैं नमाज़ छोड़ देता हूँ तो मैं मुसलमान नहीं हूँ अब इसमें मेरी कुछ नसीहतें कुछ टिप्स अब नमाज़ हम कैसे कायम कर सकते हैं मैंने अभी कहा कि नमाज जो बहुत इजी है हम इसलिए कायम कर सकते हैं हमारी डे टू डे रूटीन में नमाज होनी चाहिए तो पहली चीज़ हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम आप बावज़ु रहें पाक साफ रहें क्योंकि एक शेख से मैंने सुना था कि वज़ू में रहना ऐसा है जैसे आप बिल्कुल बॉडी आर्मर पहने हुए हो बिल्कुल आर्मर जो होता है जैसे जंग वगैरह में जो आर्मर पहनते हैं वाली ड्रेस जो आर्मर वाली होती है वो उसमें तो नमाजी के लिए भी वो जो वज़ू है या पाकी जो है वो आर्मर की जैसी यानी अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं बाहर गया हूँ मैं वज़ू में हूँ तो मैं तो वज़ू में हूँ मैंने तो वह आर्मर पहना हुआ है वक्त हुआ अज़ान का अज़ान हुई अज़ान सुनाई दी मुझे जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पाक साहब जगह देख के मैं शुरू हो गया अल्लाकबर मैंने नमाज़ पढ़ ली लेकिन अगर आप वज़ू में नहीं रहे तो फिर आपके लिए एक मसला है कि वज़ु बनाएँ और फिर हमारे साथ शैतान जो लगा वो हमें कहता है कि अरे इतनी ठंडी में क्या वज़ू करोगे थोड़ी देर बात कर लेना गर्म पानी कर लेना गर्म पानी करके फिर करना यानी शैतान फिर हमें इसी में निपटा के वो वक्त भी निकल जाता हम नमाज़ भी फिर नहीं पढ़ पाते तो हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम पाक साफ हैं वज़ू में रहें दूसरी चीज़ है कि हमारी नीयत भी हो नमाज़ पढ़ने की अगर हमारी नीयत नहीं है नमाज़ पढ़ने की तो कोई हमें नमाज़ नहीं पढ़वा सकता कई ऐसे लोग हैं कई लोग को आप कहते हो कि नमाज़ पढ़ लो चलो नमाज़ का वक्त वो कहते हैं कि नहीं मेरे कपड़े पलीद है मेरे कप, मैं नापाक हूँ सोचें हालाँकि इन्हीं को आप कहेंगे चलो घूम के आते हैं पार्टी करने तो बिल्कुल तुरंत तो तैयार हो जाएंगे नहा धोआ के लेकिन नमाज़ में देखें क्या एटीट्यूड होता है इनका तो प्रेफ्रेंसिस की बात है वलजी जादूफ़ी सुबालना जो अल्लाह के रहा में कोशिश करेंगे अल्लाह उनके लिए राय आसान करेगा यानी जिनको हिदायत चाहिए होगी अल्लाह उनको हिदायत देगा जिनको नहीं चाहिए उनको ज़बरदस्ती तो हिदायत नहीं मिलेगी ना तो पहली चीज़ होगी आप बावज़ू रहें दूसरी चीज़ आपको जहाँ वक्त मिले वहाँ आप नमाज़ पढ़ लें इस चीज़ का ख्याल इस चीज़ को आ, मत सोचें कि कौन क्या सोचता है आप वज़ू में रहें नमाज़ जहाँ वक्त मिले वहाँ पाक साहब जगह जगह देख के पढ़ लें उसके बाद अगली आसानी है कि आपको पता होना चाहिए कि एक और हदीस है सही मुस्लिम में उसमें अल्लाह के नबी की और दस हदीसें हैं उसमें है कि आप नमाज़ें इकट्ठा भी कर सकते हैं यानी अगर आपके पास वक्त नहीं है ऐसे तो सबसे बेहतर अमल है कि आप नमाज को अलग अलग अवत में अलग अलग वक्तों में पढ़ा जाए लेकिन अगर फिर भी वक्त नहीं मिलता तो आप नमाज़ें इकट्ठा कर लें फजर के तो आपने अलग ही पढ़नी जोहर और असर आप मिला सकते हैं और मग़ब और इशा मिला के आप पढ़ सकते हैं ये तो हुआ हमारे लिए जो हम यहाँ पे हैं अब आसानी के अतबार तो से अगर हम सफ़र में हैं तो सफ़र में भी ये आसानी है कि हम सफ़र में तो हम नमाजें जो है नमाजे कसर करें करेंगे यानी जोहर की जोहर की जो चार वक्त है वो हम सफ़र में दो ही वक्त पढ़ेंगे असर की जो चार है वो हम दो ही वक़्त पढ़ेंगे मगरब की जो तीन है वो हमें पूरी पढ़नी होगी और इशा की जो दो चार वक़्त है वो दो ही पढ़ेंगे फ़जर की भी हमने दो ही पढ़नी है तो अगर हम सफ़र में तो सफ़र में हम कसर कर सकते हैं प्लस नमाज़ें जमा भी कर सकते हैं कैसे करेंगे यानी अगर मैं सफ़र के लिए निकला हूँ जोहर के वक्त ज़हर के समय या उससे जैसे कि अब जहर से पहले मैं सफ़र के लिए निकल चुका हूँ तो अब जहर का वक्त दाखिल हो गया मैं शहर से बाहर हूँ वज़ू अगर है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो फिर मैं अगर पानी है तो मैं पानी से कर लूँ नहीं तो मैं तैयम कर लूँ उसके बाद मैं दो रकत हर की फ़र्ज़ नमाज पढ़ूँगा उसी के फ़ौर बाद दो रकत असर की फ़र्ज नमाज पढ़ पढ़ लूँगा ये नमाज़ें कसर भी हो गए और नमाजें मैंने इकट्ठा भी कर लीं और इन दोनों नमाज़ों के बीच कोई नफिल नमाज़ नहीं होनी चाहिए ये शर्त है ये पहले आप दो वक़्त जहर की पढ़े फ़र्ज़ उसके बाद फ़ौर दो वक़्त आप असर पढ़ लें इसी तरीके से मगरब में अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आप मगरब में पहुँचने वाले हैं या अपने इशा में पहुँचना है तो आप मगरब की जो नमाज़ है वो आप बीच में जो वक्त मिला जो समय मिला या आप अपनी सवारी पे भी पढ़ सकते हैं ये भी हदीस है तो सवारी पे आपने पहले तीन वक़्त मगरब पढ़नी है उसी के फ़ौर बाद आपने दो वक़्त इशा पढ़ लेनी है अगर ऐसा नहीं आपको लगता है कि मैं इशा घर में पढ़ सकता हूँ तो आप ये मग़ैब छोड़ दें इस वक्त आप फिर ईशा में उसके उसको मिला करके पढ़ लें लेकिन हाँ ईशा में क्योंकि आप अब पहुँच चुके हैं तो ईशा में आपने चार वक़त ही पढ़नी है और मगरब की तीन वक़त पढ़नी है ये हो गया तो इतनी सारी आसानियाँ नमाज़ को लेकर के बहुत सारी आसानियाँ हैं लेकिन ये जो आसानियाँ हैं ये हमारे सो और जो हैं जो सो और मौलवीज़ हैं उन लोगों ने छीन ली है हालांकि वो ख़ुद इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो हमें नहीं बताते क्योंकि इसमें फिर से वही बात आती है फ़िरका वारीत आ जाएगी जब तक इस फिर वारीयत के कांटे को हम नहीं निकालेंगे मेरे साथ तो एक मसला हुआ था कि मैं अमूमन कोशिश करता हूँ कि नमाज छूटे ना मैं कभी कभी मिला भी लेता हूँ नमाज़ तो एक मौलाना साहब है उन्होंने उनसे उनके पास ये मसला गया उन्होंने पूछा मेरे से कि मैंने सुना है कि तुम नमाजें इकट्ठा करते हो मैंने कहा नमाज़ें सही मुस्लिम हदीस है कि नमाज़ें इकट्ठा कर सकते हैं तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये नमाजें इकट्ठा नहीं करना सिर्फ वो हज में किया जाता है हालांकि सही मुस्लिम में दस हदीसें दी दे हुई दे हैं कि नमाजें बग़ैर खौफ बग़ैर किसी डर के बग़ैर बारिश के और बगैर किसी सफ़र के नबी अल असलातम ने मदीने में नमाज़ें इकट्ठा करी ज़ुहर और असर इकट्ठा पढ़ा और मग़रिब विशा इकट्ठा पढ़ा तो मौलवी साहब ने कहा कि नहीं नहीं तुम तो इकट्ठा नहीं कर सकते हम सिर्फ हज में कर सकते हैं ये तो शियों का काम है देखें सही मुस्लिम किस की किताब है शीयो की अहिलसन्नत की किताब है और उसमें हदीस लिखी हुई है और ये कहते हैं कि शिव शियो वाला अमल है हाँ इस चीज़ की रूटीन मत बनाएँ कि आप हमेशा नमाज इकट्ठा करें ये आसानी है लेकिन वही कुरान में है कि नमाज़ जो है वो अपने अपने वक्तों पे फ़र्ज़ है आप अपने अपने वक्त पे पढ़ें वो ज़्यादा बेहतर है अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी फरमाएँ मैं ज़ुबान से अगर कोई गलत बात लामी में मैंने कोई बात गलत कह दी हो तो अल्लाह उसे माफ़ करे